हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वंदना और आज इस वेस्ट बॉटल जो है उससे कुछ बनाते हैं। इससे बनाएंगे सर पीटर। वो कौन है, चलिए देख लेंगे बाद में। तो मैंने इसके लिए ले लिए है वॉल पुट्टी और उसका मिक्सचर बना के एक डो बना लिया, जैसे आटा गूंथते हैं ना उस तरह से उसको गूंथ लिया अच्छे से। और वेस्ट बॉटल जो मैंने ली है वो मेरे एक्रेलिक कलर्स थे, उनकी खाली हुई थी। आप कोई भी वेस्ट बॉटल ले सकते हैं, घर में बहुत सारी बॉटल्स, कोई दवाई की बॉटल खाली होती है वो भी ले सकते हैं। और मैंने इसका एक लड्डू बना लिया है, खाने के लिए नहीं, बॉल बनाई है इस पर पेस्ट करने के लिए। ऊपर फेविकॉल लगा के इसको पेस्ट कर दिया है और पेस्ट करने के बाद इसको अच्छे से सूखने दिया है। और जब ये सूख गया है देखिए पूरी तरह से, उसके बाद मैंने इसकी कैप बनाई, लेकिन ये कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाया, मुझे पता ही नहीं था कैमरा ऑन नहीं था और मैं बनाती चली गई और मुझे लगा शायद कैमरा ऑन है। इसके बाद चलिए कोई बाकी इसका जितना भी कुछ बनाएंगे हम, कैमरा बिल्कुल ऑन रहेगा, ये मैं पूरी कोशिश करूँगी क्योंकि एक बार मुझसे गलती हो गई। अब मैंने एक और पार्ट लेके छोटा सा पुट्टी का उसको वेल लिया है पेंसिल से और इसके ऊपर ऐसे पेस्ट कर दिया। वो बहुत तरह से फट गया था निकालने में, तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा थोड़ा पाउडर कोई भी यूज़ कीजिएगा नीचे, उसके बाद उसको स्प्रेड कीजिएगा, बेलिएगा, तो ईजिली वो आपका काम हो जाएगा। और इस तरह से फेविकॉल लगाते हुए इसको पूरी तरह से मैंने कवर कर दिया है चारों तरफ से, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं निकालते जा रही हूँ। और उसके बाद क्या करना है, बस थोड़ा सा पानी लीजिए, पानी से इसको स्प्रेड कीजिए ऊपर की तरफ, या इवन करना है तो वो भी पानी से ईजिली हो जाता है। अपनी फिंगर्स की हेल्प से इसको करते जाइए और ये बहुत अच्छा बन जाएगा, एकदम स्मूथ होना शुरू हो जाता है। और ये जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है उसका भी हम यूज़ करते हैं, तो मैंने इस तरह से इसके कान बना दिए हैं, बंदर जैसे लग रहे हैं ना कोई बात नहीं, सर पीटर के कान तो हम ऐसे ही बनाएंगे। और मैंने इसको भी पेस्ट कर दिया है, इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा पतला पतला इसको बेल लिया था, इस तरह से सिलेंड्रिकल बना लिया था। और इसके हाथ बना देंगे, इसको भी हम पीछे पानी की हेल्प से थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे और दोनों तरफ इसको पेस्ट कर देंगे। इसके बाद इसको थोड़ा सा और पतला किया और आगे के हाथ बनाए हैं मैंने। और इसको आप सूखने का अच्छे से टाइम दीजिएगा, जब आप इसको बना लें पूरी तरह से तो इसको अच्छे से सूखने के बाद ही कलर कीजिएगा। जो भी आपको इस टाइम पे डिटेलिंग करनी है सर पीटर की, मतलब मैंने नाम रखा है पीटर, आप इनका नाम कुछ भी रख सकते हैं, तो इस तरह से जो भी डिटेलिंग देनी है इस टाइम पे दे लें। ये मैंने इसकी मूछें बनाई हैं, बड़ी बड़ी मूछों वाले हैं ये, और थोड़ा सा आइस के लिए इसको प्रेस किया है थोड़ा सा और वॉल पुट्टी फेस पे लगा के, क्योंकि पहली वाली तो मैंने सुखा दी थी। तो किसी भी चीज़ से, कोई भी राउंड शेप चीज़ हो उससे आप कर सकते हैं। और आप ये जो कटिंग है ना इसके लिए नाइफ का यूज़ कर सकते हैं। नीचे की तरफ भी मैंने इस तरह से थोड़ी सी पुट्टी बेल के चारों तरफ से कवर कर दिया और एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर दिया। फिर से पानी से इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे और इवन कर लेंगे, जितना एक्स्ट्रा है उसको निकाल देंगे। और अगर जो बच जाता है उससे कुछ भी आप बना सकते हैं। पेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा, कोई बर्ड की शेप दे दीजिए, कोई लीफ बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, वो कभी भी आप उसको कहीं भी सजा सकते हैं। अब मैंने इसके नीचे वाली तरफ भी थोड़ा सा डिज़ाइन दे दिया है और इसको अच्छे से सूखने देंगे पूरी तरह से। जब ये ड्राई हो जाएगा तभी कलर अप्लाई कीजिएगा, उससे पहले कलर मत कीजिएगा। बस ये देखिए पूरी तरह से अच्छे से सूख गया है। अब मैं इसे वाइट एक्रेलिक कलर कर रही हूँ, सबसे पहले वाइट कलर अप्लाई कर रही हूँ और उसके बाद आप अपनी मनपसंद के कोई भी कलर यूज़ कीजिए और ये बहुत सुंदर लगने वाला है। इस तरह की चीज़ें आपको मार्केट में बहुत महंगी मिलती हैं, लेकिन हम मिडिल क्लास जो लोग होते हैं ना उनकी प्रॉब्लम यही होती है कि हम देख के बड़ा सोचते हैं कि काश हम ये ले पाते। लेकिन मैं क्या करती हूँ, कोई भी चीज़ मुझे अच्छी लगती है उसकी मैं फ़ोटो ले लेती हूँ और कोशिश करती हूँ उसको रिक्रिएट करने की अपने आप। तो कई बार बहुत अच्छी चीज़ें बन जाती हैं, जैसे कि ये देखिए, आप भी कहेंगे कि ये सच में बहुत अच्छा बना है। तो इस तरह से मैंने इसके फेस पे ब्राउन कलर में वाइट कलर मिक्स करके लाइट ब्राउन कलर बना दिया और स्किन कलर बना दिया, वो अप्लाई कर दिया है। और बाकी तो कहीं भी कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं। सर पीटर को हम गंजा नहीं छोड़ेंगे, इनके बाल भी बनाएंगे और ये बहुत छोटे से क्यूट से बनने वाले हैं सर पीटर हमारे। इस तरह से मैंने इनके बाल भी बना दिए हैं और इनकी अब कर देंगे जो कैप है उसको भी कलर। और बाकी डिटेलिंग आप जो भी देना चाहें दे सकते हैं, आप चाहें तो सीधे इसकी आईज भी आप कलर से ही ड्रॉ कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छी लगेंगी। और मैंने इनको एक छोटा सा चश्मा भी बना दिया है, ये देखिए मेरे पास मार्कर है उसका यूज़ कर सकते हैं आप, बहुत सस्ता 10 रुपये का आता है, एक बार ले लीजिए, कई बार यूज़ हो जाता है। इससे हम डिटेलिंग दे देंगे, इसके हाथ बना देंगे, शर्ट पे डिटेलिंग दे देंगे। और मैंने इनको चश्मा लगा दिया है, वो बना दूंगी मैं, सारी चीज़ें की डिटेलिंग कर दूंगी। और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें वेस्ट सामान से अगर आप बनाते हैं तो बहुत सारे आपके पैसे बच जाते हैं और आपका घर भी बहुत अच्छे से डेकोरेट हो जाता है। बहुत क्यूट बनने वाला है और बहुत ईजी और बहुत सस्ते में भी।
कैसा लग रहा है ये और कैसा लगा आज का ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारी ऐसी और चीज़ें भी मैं आपके साथ वेस्ट मटेरियल से बनाने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।